subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दोस्तों स्टार प्लस पर चल रही कहानी दिव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं हम, जहां पर आपको बता दें कि कहानी के अंदर हाल फिलहाल में जो कुछ भी चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। वहीं बीते हुए ट्रैक की कहानी की बात करें तो आपने देखा होगा कि कैसे पिशाचिनी के हाथ कालविजय रत्न लग जाता है और फिर होता है कहानी में धमाका, क्योंकि कालविजय रत्न को लेने के लिए दोनों बहनें मिलकर खेल खेलती है पिशाचिनी के साथ, और लेकिन पिशाचिनी फिर भी नहीं मरती है और कालविजय रत्न दोनों बहनों को मिल जाता है। उसके बाद कहानी में दोनों बहनें धमाका करती है जब पिशाचिनी का घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तो पिशाचिनी लौट आती है शेरगिल हाउस में और फिर रूप बदलता हुआ नजर आता है कहानी का पूरी तरह से, क्योंकि पिशाचिनी लूथरा हाउस में आकर राज करती है और कहती है कि अब वो दोनों बहनें नहीं आएंगी और ना ही तुम्हारा रक्षित और ना ही सीकर। तो दोस्तों सभी परिवार के लोग डर जाते हैं और जैसा पिशाचिनी कहती है वैसा करने लगते हैं, और फिर दोनों बहनें मिलकर एक बार फिर भेष बदलकर शेरगिल हाउस में एंट्री करती है और अब देखना है कि पिशाचिनी को वो कैसे हराती है, क्योंकि कहानी का अब दूसरा भाग शुरू हो गया है जहां अब कहानी का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस सीरियल की कहानी की हर छोटी से बड़ी अपडेट को लेकर एक बार फिर आप सभी फैंस के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.